भूतग्रामस्येवायम् भूतग्रामस्येवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशपार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति नश्यत्सु न विनश्यति परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति परो व्यतिरिक्तो भिन्नः कुतः तस्मात् पूर्वोक्तात् तु शब्दः अक्षरस्य विवक्षितस्य अव्यक्तात् वैलक्षण्यप्रदर्शनार्थः भावः अक्षराख्यं परं ब्रह्म व्यतिरिक्तत्वे सति अपि सा लक्षण्यप्रसङ्गः अस्ति इति तत् निवृत्त्यर्थम् आह अन्य इति अन्यो विलक्षणः स च अव्यक्तः अनिन्द्रियगोचरः परस्तस्मात् इत्युक्तम् कस्मात् पुनः परः पूर्वोक्तात् भूतग्रामबीजभूतात् अविद्यालक्षणादव्यक्तात् सनातनः चिरन्तनः यस्स भावः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिषु नश्यत्सु न विनश्यति न विनश्यति
So, जगत की स्थिति भगवान ने ऐसी बताई कि ये अनादि है और कभी भी इसकी सृष्टि नहीं हुई। जगत की दो अवस्थाएं जरूर हैं, एक व्यक्त अवस्था है और एक अव्यक्त अवस्था है। माने जगत की दो अवस्था है, जगत का भाव और अभाव इस तरह की दो स्थिति नहीं है। जगत, जीव और ईश्वर तीनों ही व्यावहारिक धरातल पर नित्य हैं, सदा हैं। इनका कभी भी प्राग भाव नहीं था और इसलिए ये सतत हैं। इनकी दो अवस्थाएं जरूर हैं, एक व्यक्त अवस्था है और एक अव्यक्त अवस्था है। व्यक्त अव्यक्त अवस्था को ही भगवान ने रेखांकित किया कि जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब सृष्टि व्यक्त अवस्था में होती है, और जब ब्रह्मा जी की निद्रा अवस्था होती है स्वापकाले, जब उनकी निद्रा अवस्था होती है उस समय सारी सृष्टि और जीव ये सब के सब अव्यक्त भाव में होते हैं, अव्यक्त अवस्था में होते हैं। और यह क्रम बराबर बराबर चला 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 रहता है। भूतक्रामम अयम सह एव, इसमें भाष्यकार ये पंक्ति ध्यान में रखने की है, पूर्वस्मिन कल्पे आसीत स एव, पूर्व कल्प में जो सृष्टि थी फिर से वही। भूतग्रामम स एव स्थावर जंगम लक्षण यह मिला ना, पूर्वस्मिन कल्पे आसीत, जो पूर्व कल्प में था, बस ये वैदिक सिद्धांत है, इसको सृष्टि के संदर्भ में इसको बोलना नहीं चाहिए। आप संध्या के समय बोलते होंगे यथा पूर्वम अकल्पयत, यथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्वम यत आसीत स एव। तो सृष्टि में सातत्य है, सृष्टि में प्रागभाव कभी भी नहीं है। उसको हेतु देना चाहें तो दे लें, चूंकि सृष्टि अविद्यक है सो अविद्या अनादि है, तो अविद्या से जो उत्थित अध्यास रूप जीवत्व है वह भी अनादि है। माने अविद्या है और जीवत्व नहीं था, ऐसा नहीं है। अविद्या है तो जीवत्व है, जीवत्व अनादि है तो जीव के लिए ही जगत की आवश्यकता है। जीव को ही शरीर चाहिए, जीव को ही भोग चाहिए, जीव को ही परिस्थितियां चाहिए। तो जीव अनादि है तो उसका जगत भी अनादि है। जीव की कर्म परंपरा अनादि है तो उसकी भोग परंपरा भी अनादि है। अगर भोग परंपरा अनादि है तो भोग वस्तुएं भी अनादि होनी चाहिए। बस इस रीति से इस रहस्य को बिल्कुल सुस्पष्ट कर लें। ये जो आरंभवाद का चिंतन है वो जगत को आविद्यक
के रूप में नहीं समझता, ईश्वर कृत समझता है। ईश्वर ने क्यों बनाया इसका हेतु उनके पास कोई नहीं है, क्योंकि जीव भी नहीं है तो जीव के कर्म भी नहीं है और भोग भी नहीं है। ईश्वर है, उसने सृष्टि की रचना की, किस हेतु से नहीं, किस निमित्त से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, ये इसका कोई उत्तर नहीं है। सो आरंभवाद में सृष्टि जैसे हुई बस हुई, जिन लोगों ने ईश्वर को भी नहीं माना, जीव को भी नहीं माना, भौतिक हैं, तो जैसे बिग बैंग थ्योरी जिसको आप बोलते हैं, महाविस्फोट का सिद्धांत, तो वो विस्फोट क्यों हुआ, कोई हेतु नहीं है, जड़ का कोई हेतु होता नहीं, प्राकृतिक परिणाम, एक और प्रकृति में परिणमन होता रहता है, तो भूतों में जो अंतर क्रिया हुई उनकी वजह से एक महाविस्फोट हुआ, एक घटना घटी और वह घटना फिर सृष्टि के रूप में परिणत हो गई, उसकी एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री बन गई, यानी हिस्ट्री बनाई गई, क्रोनोलॉजिकल माने क्रमिक, एक क्रमिक उसका इतिहास बनाया गया कि यहां से ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो वहां भी सृष्टि के सातत्य को स्वीकार नहीं करते, सृष्टि का आरंभ मानते हैं महाविस्फोट से, वो महाविस्फोट जिस गैस पिंड में हुआ, वो गैस पिंड कहाँ से आया, तो वो पहले से था या वो उसकी संरचना कहाँ से हुई, यह बात फिर से गायब हो जाती है। और उसकी संरचना अनादि है कि नहीं है, उसमें विस्फोट का कारण मान लिया, अंतरक्रिया होती होगी थोड़ी देर के लिए मान लिया, लेकिन वो चीजें पहले से थीं, तो वो रचित हैं कि अरचित हैं, उनको किसने रचा, वो कैसे वहां पर स्थिति बनी उनकी, देखो वो अनादिता की ओर जाते हैं। आकाश पहले से मानना पड़ेगा, गैसेस को पहले से मानना पड़ेगा, उनका गुणधर्म है वो भी मानना पड़ेगा, उन गुणधर्मों का आपस में अंतर क्रिया होती है यह भी मानना पड़ेगा। तो क्या ये भी तो सृष्टि है ना, गैस कोई सृष्टि नहीं है ऐसा थोड़ो है। सो भौतिकवाद में ये प्रश्न अनुत्तरित हैं और उनकी कोई रुचि भी नहीं है इसका उत्तर देने में। वो कहते हैं इसके बाद क्या हुआ उसका रिकॉर्ड हमको मिलता है, लेकिन वो सब कहाँ से था इसका हमारे पास उत्तर नहीं है और इसकी कोई बहुत आवश्यकता भी नहीं दिखाई देती। देखो वैदिक धर्म में जिसको आप विशेष रूप से अद्वैत वेदांत बोलते हो, अद्वैत वेदांत की स्थिति यह है कि सृष्टि अध्यास रूप है, प्राकृतिक भी नहीं है, कार्मिक नहीं है, ईश्वर कृत नहीं है, भौतिक नहीं है, अनादिता जो है ना, अनादिता सृष्टि की अनादिता, इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि जिस सृष्टि की हम चर्चा कर रहे हैं अथवा जिस जीवत्व की हम चर्चा कर रहे हैं वह हमारे चिंतन में आविद्यक है। आया पकड़ में आता है, अध्यास रूप है, चूंकि अविद्या अनादि है इसलिए
आविद्यक सृष्टि और जीवत्व भी अनादि है। सांख्य दर्शन में प्रकृति अनादि है, इसलिए सृष्टि भी अनादि है। सृष्टि प्राकृतिक है, अविद्यक न होकर के प्राकृतिक है, तो प्रकृति अनादि है इसलिए सृष्टि भी अनादि है। और प्रकृति का ही स्वभाव है व्यक्त होना और अव्यक्त होना। लेकिन इसमें समझदारी की बात यह है कि वहां जीवत्व प्राकृतिक नहीं है, जीवत्व अविद्यक है। जीवत्व की स्थिति कहां से बनी? तो पहला क्लेश है अविद्या, उसी का परिणाम बना अस्मिता। सांख्य और योग दोनों में तो अनादि अविद्या है और उसी के परिणाम स्वरूप अस्मिता की स्थिति है, और उसी के परिणाम स्वरूप फिर आगे का संसरण है, कर्म है, राग है, द्वेष है आदि। तो जो मुक्ति है वो सृष्टि लय अथवा सृष्टि बाद का नाम नहीं है। जो मुक्ति है वो केवल जीवत्व के बाद का नाम है, जीवत्व की समाप्ति का नाम है। उसके लिए वहां पर सृष्टि को बाधित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सृष्टि चलती रहेगी, लोग मुक्त होते रहेंगे, कितने ही मुक्त हो गए लेकिन सृष्टि अपनी जगह पर बनी हुई है, क्योंकि सृष्टि किसकी है? प्रकृति की है। जीवत्व चूंकि अविद्या से है इसलिए अविद्या नष्ट होने से जीवत्व की समाप्ति हो जाती है। सो देखो, ये मुक्ति बंधन की भी व्यवस्था लग गई और सृष्टि के अनादित्व की भी व्यवस्था लग गई और अनंत की भी व्यवस्था लग गई। सृष्टि अनादि भी हुई और अनंत भी हुई, क्यों? प्रकृति नित्य है। यहां तक सांख्य दर्शन बड़ा ही स्वस्थ दिखता है, बिल्कुल युक्ति संगत दिखता है। बाधा कब पहुंचती है? जब निर्विशेष आत्मा के स्वरूप में भेद की उपपादना करनी पड़ती है, भेद को सिद्ध करना होता है। निर्विशेषे भिदा कुतः, जब आत्मा अपने स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में जब वो निर्विशेष है, तो विशेष का अभाव होने पर भेद की स्थिति, भेद का भाव हो और विशेष का अभाव हो, ये कैसे चलेगा? भेद का लक्षण क्या है? विशेषो नाम भेद, विशेष का अभाव हो गया। अब विशेष का अभाव हो गया तो भेद का संपादक, भेद का उपपादक कौन है? ये प्रश्न है। तो बोले देह में भेद है, तो ये तो बिल्कुल ही वैचारिक अन्याय हो गया कि भेद देह में हो और आरोप आत्मा में किया जाए। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि लालिमा किसी में हो और आरोप कहीं और किया जाए। भेद का आश्रय कौन है, पुरुष या उपाधि? ये प्रश्न आवेगा। जहां जहां आपको भेद की उपलब्धि हुई, वो भेद कहां दिखा आपको? बुद्धि में भेद है, देह में भेद है, इंद्रियों में भेद है, यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस भेद में आत्मा से क्या लेना देना है? जब आप भेद मान, कहां भेद मानते हो?
देह में भेद मानो तो कौन मना करेगा, बुद्धि में भेद मानो तो उसको कौन मना करेगा। आप भेद कहां मान रहे हो, आप भेद मान रहे हो पुरुष में और उसको निर्विशेष भी कह रहे हो। देखो तो उन्होंने कहा अगर भेद नहीं मानते हैं तो एक व्यक्ति के मुक्त होने से हैं सभी की मुक्ति होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है कि भेद की स्वीकृति आपने ये व्यवस्था के लिए किया है। ठीक है, व्यवस्था के लिए भेद की स्वीकृति की या पुरुष में भेद है इसलिए भेद की स्वीकृति की। व्यवस्था तो लग जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है, तो हम देख लेंगे। लेकिन पुरुषगत भेद की स्वीकृति का आधार क्या है, वहां पर उनका जो दर्शन है वो शिथिल हो जाता है। कभी और करेंगे चर्चा, अभी तो सृष्टि की बात चल रही है। माने सृष्टि के विषय में ही सांख्य और योग भी इसको अनादि मानते हैं, वो आरंभवादी नहीं है। पीछे वाला तेज कर ले, वो भी अनादि मानते हैं, लेकिन लेकिन सृष्टि प्राकृतिक है, प्रकृति अनादि है, इसलिए इसलिए ये अनादि है। अद्वैत वेदांत का भेद यही देखना, अद्वैत वेदांत में चूंकि सृष्टि अध्यास रूप है, अविद्यक है, बस इसलिए ये अनादि है। अविद्या की अनादिता सृष्टि के साथ लग गई, ये दोनों का फर्क है। बहरहाल सातत्य दोनों ने माना, तो इसलिए जीवत्व, अब उनके यहां भी जीवत्व तो अविद्यक ही है, इसलिए भूत्वा भूत्वा माने हो करके, हो करके माने व्यक्त हो करके, हो करके माने अभाव से भाव में आके नहीं बल्कि हाँ। अब हमारा वाला कम करें तो हो करके भूत्वा भूत्वा और फिर प्रलीयते अव्यक्त में जाते हैं, बार बार अव्यक्त में जाते हैं। और ये व्याख्या के लिए ढंग बना कि ब्रह्मा जी के जागरण काल में व्यक्तवस्था है और रात्र्यागमे माने रात्र्यागमन माने राती नहीं है असल में, इसको समझना जरा। रात्रि माने हमारी जैसी रात्रि नहीं, क्योंकि ये जो रात्रि है वो इस सृष्टि का हिस्सा है भाई। हाँ तो उनकी भी रात आती है और दिन आता है और उनके लिए एक सूरज चढ़ता है और डूबता है, तो वो कहाँ डूबेगा सूरज जब सारी सृष्टि के अभिमानी वही हैं। तो अगर वो सोएंगे तो सूरज भी गया, तो उनका कोई दिन और रात ऐसा नहीं होता जैसा हमारा हो रहा है। तो यहाँ दिन का अर्थ है जागना और रात्रि का अर्थ हुआ सोना, स्वाप काले। भाष्यकार ने क्या लिखा, स्वाप काले जब वो सोते हैं तब लीन हुआ, जब जागते हैं तो जागरण हुआ, और ऐसा चलता रहता है। अनादि काल से सृष्टि ऐसे चली आ रही है, अनादि काल से जीव का इस प्रकार से संसरण हो रहा है, और ऐसे संसरण में भगवान बोलते हैं अवश्य। एक सबसे जो साफ साफ बात है वो ये है कि हमारा कोई वश नहीं चलता, जीव बहुत बहुत ज्यादा विवश है, अपने स्वभाव के विवश है, अपने कर्म के विवश है, प्रकृति के वश में है, ईश्वर के वश में है, त्रिगुण के वश में है। जीव की जो विवशता है
वो है तो बहुत, लेकिन उसको कई बार जीव रियलाइज नहीं करता जिस शिद्दत के साथ है, जिस तीव्रता के साथ उसको अपनी व्यवस्था का अनुभव होना चाहिए। मैं उस दिन बोल रहा था, यह अपने पिता का चुनाव नहीं करता, माता का चुनाव नहीं करता, भाई बहन का चुनाव नहीं करता, परिस्थिति का चुनाव नहीं करता, देह का चुनाव नहीं करता, आयु का चुनाव नहीं करता। देखो, दिन में किससे मिलेगा वो लगता है कि हमने प्लान किया, बीच में कौन किस तरह से आता है, यू कांट चूज दैट। पूरे संसरण में घटनाएं ऐसी घटती चली जाती हैं मुझसे बिना पूछे, सब बड़ी बड़ी घटना मुझसे बिना पूछे होती हैं। लेकिन हम लोग भी बहुत ही जोरदार लोग हैं, सब चीज का कर्ता मानने का बड़ा शौक है। चुना हमने कुछ नहीं हैं और कर्ता माना कि बस शुरू से लेकर के आखिरी तक कर्ता तो मैं ही हूं। मैंने गिनाना शुरू करेंगे लिस्ट तो उसकी भी कोई कमी नहीं है, मैंने ये किया, हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो अब बताओ। ऑल मेजर थिंग्स हैपन्स बाई इट्सल्फ, बड़ी बड़ी हर चीज अपने आप हो रही है और कर्ता हम अपने आप को मानने में कोई संकोच ही नहीं करते। कर्ता मानते हैं तो फिर उस कर्म का फिर फल भी होता है। इसीलिए कहा स्वभावस्तु प्रवर्तते, इसीलिए कहा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। विमूढ़ आत्मा का लेकिन मानते हैं तो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये स्थिति बनी रहती है, बनी रहती है। एक चीज केवल ऐसी है जिसका अस्तित्व अवस्थातीत है। अवस्था कौन सी? व्यक्त अवस्था और अव्यक्त अवस्था। एक केवल ऐसी चीज है। देखो, ये दर्शन जगत में केवल अद्वैत वेदांत ही ये बात बोलता है। अद्वैत वेदांत, वेदांत में भी अद्वैत वेदांत, कोई दर्शन नहीं सिवाय अद्वैत वेदांत के। क्या बोलते हैं? परह भावह तू, अन्वय देखना इसका, परह परह भावह तू अन्यः। तू माने जो पीछे हमने बात कही थी उस सबसे बिल्कुल विलक्षण। पीछे बात कही थी व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त, अब उससे बिल्कुल विलक्षण बात होने जा रही है। बोले जो परह है ना, इससे भिन्न, अथवा जो परम है वो अन्य है, तस्मात इस सबसे अन्य है। किससे? किस तस्मात से? वो तस्मात का विशेषण है अव्यक्तो व्यक्तात्, अव्यक्त से और व्यक्त से, दोनों से, उस दोनों से। तस्मात माने क्या बोलेंगे? उस, हाँ, उन दोनों से, व्यक्त से भी और अव्यक्त से भी, दोनों से ही जो परम वस्तु है अर्जुन वो विलक्षण है। बोले वो कैसी है प्रभु? बोले वो एक रस रहती है, न वो व्यक्त है, हाँ, न वो अव्यक्त है, एक रस चिरंतन रहती है। इसके लिए शब्द क्या रखा? सनातन। अब आपको याद आया होगा कोई उपनिषद का वाक्य, अन्यत एव विदितात् अथो अविदितात् अधि। अविदितात् माने अव्यक्त और विदित माने व्यक्त, ये
प्रमाण ही व्यज्यते। तो जो परम वस्तु है जिसको वेद परम कहता है वो ऐसा है, वो किसी प्रमाण का विषय बने बिना अज्ञात नहीं रहती। एक्सप्रेशन देखो, ज्ञान का विषय नहीं बनती, प्रमाण का विषय नहीं बनती, इसलिए व्यक्त नहीं बोल सकते। व्यक्त तब कहा जाए जब प्रमाण का विषय बने। अच्छा, प्रमाण का विषय नहीं बनी तो अज्ञात हो जाए, बोले अज्ञात नहीं है। अज्ञात होने पर अव्यक्त हो गई, तो अव्यक्त से भी विलक्षण है। ये हमारा चिन्मय स्वरूप है, प्रमाण के बिना ही स्वयं प्रकाश है। अपरोक्षत्वेन सदा भाति, न प्रमाणे ही भाति, किंतु न भाति इदमपि नास्ति, भाति एव। बना अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम् अपरोक्षत्वम्। परह भाव, जो परम वस्तु है वो ऐसी है। परस्तस्मात् भाव अन्यः, अर्जुन इन दोनों से ही विलक्षण कोई एक और चीज है, वही है परम वस्तु का अस्तित्व। कैसा है वो? सनातनः। तो इसको एक तरफ कर लें तो परह भावः अन्यः कीदृशः, कीदृशः सनातनः। कस्मात् अन्यः? तो तस्मात् अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। व्यक्त और अव्यक्त दोनों से विलक्षण है सनातन, एक सतत एक रस ज्ञान स्वरूप है। न ज्ञेय कोटि में जाता है, ध्यान दें, न ज्ञेय कोटि में जाएगा न अज्ञात कोटि में जाएगा। दूसरी वस्तुओं का नेचर क्या है? या तो वो ज्ञेय बनेंगी या वो अज्ञेय बन जाएंगी। या तो वो प्रमाण का विषय प्रमेय बनेंगी या वो अज्ञात हो जाएंगी। यहां स्थिति है न वो प्रमाण का विषय बन के प्रमेय बना, कभी नहीं बना, और न तो वो अज्ञात हुआ, कभी अज्ञात नहीं हुआ। नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहम् आत्मा, एक रस चेतन। अब कहते हैं वह चेतन अर्जुन कैसा है? देखो आप, अभी दूसरा अध्याय चल रहा है आपका, उसमें लिखा विनाशी तु तद्विद्धि ये न, हाँ सर्वमिदं ततम, वो लक्षण देखो। और अभी आप लोगों ने पढ़ा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, हाँ यस्मिन् यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वेषु भूतेषु सर्वभूतानि च आत्मनि, ये सर्वभूतेषु च आत्मनि, और यस्तु सर्वेषु भूतेषु, ये तो आत्मा जिसमें सब है। छठे अध्याय में अभी पढ़ा आपने, है ना, छठे अध्याय में पढ़ा, वो लक्षण लेके आते हैं। यह मने यह परह भाव, जो व्यक्त अव्यक्त से विलक्षण वस्तु है अर्जुन, उसको पहचानो। सबसे कीमती चीज वही है। कैसी है वो? यह सह सर्वेषु भूतेषु, ये वही है जो सभी भूतों में है। छठा अध्याय याद करो, यस्तु सर्वेषु भूतेषु, देखो ये लिखा,
यह सह सर्वेषु भूतेषु, बोले ऐसी कोई चीज है जो सभी भूतों में समन्वित है, सभी भूतों में भरपूर है। बोले यस, और इतना ही नहीं है बल्कि ये न सर्वम इदम ततम, बल्कि जिससे ये सब का सब व्याप्त है। यानी वो व्यापक है और सर्वगत है। क्या अभिप्राय है? उस प्रसंग में हमने चर्चा की थी कि एक चेतना में सारा दृश्य प्रपंच भासमान हो रहा है अध्यास रूप से। इसलिए अध्यास रूप दृश्य प्रपंच में अधिष्ठान अनुगत है, भरपूर है। और अध्यास कहाँ है? हमेशा अधिष्ठान में है। सच बात यह है कि अध्यास नाम की कोई वस्तु नहीं होती। ये तो चूंकि हमको सर्व दिख रहा है इसलिए कह रहे हैं, सर्व के संदर्भ में कह रहे हैं सर्वेषु भूतेषु, सर्व के संदर्भ में कह रहे हैं सर्वम इदम येन व्याप्तम, क्योंकि हमारी दृष्टि सर्व पर से हट नहीं रही है। तो उस सर्व को बार बार बोलते हैं सर्वेषु भूतेषु सर्वम इदम व्याप्तम येन, हे अर्जुन सब परह भाव, वो परम भाव है, उसकी कोई अवस्था नहीं है। न वो व्यक्त अवस्था में जाता है न वो अव्यक्त अवस्था में जाता है। यह आपको पूरी गीता में देखने को मिलेगा। एक रस चिन्मय तत्व, यही उपनिषद में आया, अन्यदेव विदितात्। विदित माने व्यक्त, अन्यत एव विदितात् अथो अविदितात् अधि इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तत व्याचचक्षिरे, ये प्रमाण वचन है। तो अब ये 20वें श्लोक से 22वें तक फिर से वो ब्रह्म स्वरूप का लक्षण किया। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्यन निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्यन निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यह असौ अव्यक्तः
अक्षर इति उक्तः तम एव अक्षर संज्ञकम् अव्यक्तम् भावम् आहुः परमां प्रकृष्टां गतिं यं भावं प्राप्य गत्वा न निवर्तन्ते संसाराय तद्धाम स्थानं परमं प्रकृष्टं मम विष्णोः परमं पदम् इत्यर्थः तल्लब्धेः उपाय उच्यते पुरुषः पुरीशयनात् पूर्णत्वात् वा सपरः पार्थ परो निरतिशयः यस्मात् पुरुषात्न परं किञ्चित् स भक्त्या लभ्यः तु ज्ञानलक्षणया अनन्यया आत्मविषयया यस्य पुरुषस्य अन्तस्थानि मध्यस्थानि कार्यभूतानि कार्यम ही कारणस्य अन्तर्वर्ती भवति येन पुरुषेण सर्वमिदं जगत् ततम् व्याप्तम् आकाशेन इव घटादि नारायण प्रकृतानां योगिनां प्रणव आवेशित ब्रह्मबुद्धिनां कालांतर मुक्तिभाजां ब्रह्म प्रतिपत्तये उत्तरो मार्गो वक्तव्य इति यत्र काले इत्यादि विवक्षितार्थ समर्पणार्थम उच्यते आवृत्ति मार्गोपन्यास इतर मार्ग स्तुत्यर्थम। तो देखो अब उसी को बोलते हैं वैसे उसी प्रकरण में अक्षर इति उक्तम तम आहुः अर्जुन तम उन्हीं को जिनके बारे में हमने चर्चा की परम भाव की तम आहुः उन्हीं को ऋषियों ने ज्ञानियों ने ऐसा कहा है क्या कहा है कि उसका नाम है अव्यक्तः बोले अभी तो आप कह रहे थे कि वो अव्यक्त और व्यक्त दोनों से ही परे है अब देखो एकदम से ही शब्द आ गया अव्यक्त और दूसरा शब्द आया अक्षर जब ब्रह्म को अव्यक्त कहते हैं उसका अभिप्राय है वो अवांग मनस गोचर है दैट्स ऑल अज्ञात नहीं है अव्यक्त दो हो सकता है अज्ञात हो और अप्रमेय हो प्रमाण का विषय न होते हुए अज्ञात हो दूसरा है प्रमाण का विषय नहीं है लेकिन अज्ञात नहीं है आया पकड़ में प्रकृति अव्यक्त है उसमें दोनों बातें हैं वो अप्रमेय भी है और अज्ञात भी है लेकिन जब आप पुरुष को कहते हो अप्रमेय अथवा अव्यक्त तो उसका अर्थ होता है कि वो अप्रमेय तो है लेकिन वो अज्ञात नहीं है सो अव्यक्त बोल सकते हैं उसको लेकिन इस बात को समझते हुए बोलना पड़ेगा कि अव्यक्त माने अज्ञात नहीं होता अव्यक्त अक्षर नक्षरती जिसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं है जिसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं है अर्जुन ऐसा वो तत्व है इसका अभ्यास करना चाहिए ध्यान करना चाहिए जब भी आत्म चैतन्य का ध्यान करें तो इन दोनों लक्षणों को घटा लें अव्यक्त भी है और अक्षर भी है बोले प्रभु जब उसका हम ध्यान करते हैं और मन उस स्वरूप में अवस्थित होता है जिस किसी का स्वरूप में अवस्थान हुआ उसको लाभ क्या है बोले लाभ तम आहु परमाम गतिम तम गतिम आहु
उसी को गति कहते हैं। गति माने पहुंचने योग्य स्थान। ये स्वर्ग को भी लोग गति कह बोले कि गति बन गई। गति बन गई माने जहां इनको पहुंचना चाहिए था अच्छी जगह पहुंच गए तो लोग बोलते हैं गति बन गई। जो रियल पहुंचने की जगह है, प्राप्त करने की जगह है, अर्जुन तम गतिम आहु, और साधारण गति नहीं, परमाम गतिम, उसको परम गति कहते हैं। क्यों परम कहते हैं? परमत्व का लक्षण क्या है? क्योंकि यह वह गति है जहां से पुनरावृत्ति नहीं होती। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जब आ ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो हि सह, वो बोल चुके हैं, ब्रह्म लोक तक पुनरावर्तन होता है, लेकिन मेरा एक धाम, धाम माने स्थान, मेरा वह स्वरूप है जहां साधक प्रवेश करके पुनः पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता। जो गति करने वाला जीव है ना, वो भंग हो जाता है। जो आज अपने को जीव के रूप में अनुभव करता है, वह ये अनुभव करता है कि मैं निराकार चेतन हूं, अद्वितीय चेतन हूं, और मैं कहां गति करूंगा और किस में गति करूंगा। सो मार्गहीनता आ गई उस ज्ञानी में। सुबह की क्लास कैसे था वो वाक्य? अनध्वगा अध्वसुपार इष्णवः, जो रियल पार जाना चाहते हैं उनके लिए वास्तव में कोई मार्ग नहीं है। ये मार्ग नहीं है माने गतिहीन है। ये तो पार जाने की स्थिति यह है कि गतिहीन स्थिति है, वो है यहां कहते हैं तद्धाम परमाम गतिम। तो तद्धाम परमम मम यम प्राप्य न निवर्तन्ते। अच्छा, तो पुरुष में अवस्थान करने से संसरण की समाप्ति होती है। ये होता कैसे है, उपाय क्या है इसका? तो उपाय तो बीच बीच में आते ही रहते हैं। उसमें मूल जैसे हमने कहा वर्णम, वर्ण पहला उपाय है, फिर एतई रूपायै यतते, नहीं एतई रूपायै यतते यस्तु विद्वान, तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम तद्धाम। हाँ, थोड़ा दोनों को मिलाया रखा जाए, पाठ करने से याद होगा। एतई उपाय ही, वर्ण पूर्वक उपाय करने से, कौन सा उपाय करने से, कौन सा उपाय करने से, न च प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात। नहीं है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्य लिंगात्। ये बल न हो, तप न हो, प्रमाद हो, और हाँ, लिंग धारण न करता, तो उपाय तो बहुत हैं। अब यहां पर उपाय एक बिल्कुल पिन पॉइंट करके एक उपाय बताते हैं। भगवान ऐसा लिखते हैं, शंकराचार्य जी महाराज ने उसका अर्थ बदला, माने जो अर्थ किया बदला, मैं बोलना ठीक नहीं है, भाष्यकार ने जो अर्थ किया, महाराज भक्ति संप्रदाय वाले कहेंगे देखो ये छल है,
शुद्ध छल है। क्योंकि देखो क्या लिखते हैं, आप खुद ही देखो, पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यः, हे पार्थ सह परः पुरुषः लभ्यः। हे पार्थ, वह जो परम पुरुष है वो लभ्य है, अलभ्य थोड़ो है, बिल्कुल लभ्य है। और भगवान ने तो कहा तस्या हम सुलभ पार्थ, कुछ लोगों के लिए तो मैं सुलभ भी हूं, तो मैं लभ्य हूं। पुरुषः सह परः, जो व्यक्त अव्यक्त से परे है वो पुरुष लभ्यः, वो लभ्य है। कैसे? भक्त्या। भक्त्या का अर्थ किया भाष्यकार ने ज्ञान लक्षण, या बोलो आप। अब बोलो कौन मानेगा इसको? भगवान साफ लिखते हैं भक्त्या, और दूसरे भगवान लिखते हैं मैं तो, हमारे तो हो भी आराध्य वैसे ही। माने गीता और भाष्य में मुझे प्रामाण्य भेद कहीं नहीं, श्रुति और भाष्य में कोई प्रामाण्य भेद नहीं। श्रुति क्या कहना चाहती है ये हम क्या जाने, ये तो भाष्यकार ही बता सकते हैं। तो वो दोनों वचन एक ही हैं, श्रुति बोले या भाष्य बोले, इनमें कोई भेद नहीं होता। संविधान की धारा, इसको ऐसे समझो जरा, संविधान की धारा लिखी रहती है, उसका क्या अभिप्राय है ये सुप्रीम कोर्ट बताता है। बोले मैं भी पढ़ूंगा संविधान, हाँ पढ़ो तुम, और फिर मुझे ये समझ में आता है अर्थ, बोले तुम्हारे समझने की कोई कीमत है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो बताएंगे कि इस धारा का मतलब क्या है। ये उनका पदवी है, दे आर द ट्रस्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव द राइट टू एक्सप्लेन इट, नोबडी एल्स। ये अधिकार विधायिका को नहीं है, विधायिका माने ज्ञानेश्वर गया काम से, पार्लियामेंट असेंबली, ये जहां विधान बनता है, ये जो हरी छत वाली बिल्डिंग बन रही है ये विधायिका, यहाँ विधायक लोग बैठेंगे और विधान बनाएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है विधायिका। ये विधानसभा, कभी ध्यान दिया इस बात पर? ये विधानसभा का अधिकार नहीं है कि वो संविधान की व्याख्या करे। ऐसे व्याख्या करने लग जाए तो ये तो कुछ भी कर डालेंगे। तो भगवान शंकर को ही ये अधिकार है, मेरा तो ये तो दृष्टांत था ना। दृष्टांत ये है कि भगवान शंकर को एकमात्र अधिकार प्राप्त है कि वो शास्त्रों के वचनों की व्याख्या करें। कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा तो भगवान वेदव्यास ने उनको पकड़ लिया, और वेदव्यास जी से शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हो गया। लो अब ये क्या शास्त्रार्थ होना, लिखने वाला कह रहा है कि मैंने हैं वो सोच के नहीं लिखा था जो तुमने व्याख्या की है। अब बोलो, और भाष्यकार कहते हैं ना मैंने जो व्याख्या की है यही आपके सूत्र का सही अर्थ है, और अगर हाँ अगर आप इससे हटते हो तो आपका सोचा हुआ अर्थ गलत होगा। सूत्र सही है, अरे सूत्र तो मैंने ही लिखा,
बोले भले लिखा आपने, लेकिन अर्थ जो है अगर जो मैंने किया उससे आप हटे तो आप गलत हो जाओगे। बोले ये अच्छी जिद है, लिखूं मैं और अर्थ पर कब्जा तुम्हारा। ये शास्त्रार्थ हुआ। कहते हैं व्यास जी तो चिरंजीवी हैं, तो शास्त्रार्थ हुआ। बाद में उन्होंने शाबाशी दी कि तुम्हारी निष्ठा को का अभिनंदन है कि मेरे कहने पर भी आपको पक्का है कि ये श्रुति मत यही है। बोले भाई सूत्र की व्याख्या हम इसलिए करने चले क्योंकि वो श्रुति का सूत्र है, तो वो श्रुति मत उसमें दिखना चाहिए, व्यास मत देखने के लिए मैं नहीं, मैंने भाष्य नहीं लिखा। लो श्रुत्यर्थ यही है। व्यास जी ने शाबाशी दी। हाँ तुम्हारा जो कहा हुआ भाष्य है वही मेरा मत है। तो खंभक खनन न्याय कर दिया उन्होंने, थोड़ा हिलाया उनको कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। बोले नहीं जो मैंने कहा वही ठीक है। अब जरा सोचो, साफ भगवान बोलते हैं भक्त्या सह परह पुरुषः लभ्यः, वह परम पुरुष भक्ति से मिलता है। भाष्यकार ने कहा कौन सी भक्ति वो मुझसे पूछो, कौन सी भक्ति ज्ञान लक्षणया। ये ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं आप? और अनन्यया का अर्थ किया आत्म विषयया। चलो जी अन्य विषयया नहीं बल्कि आत्म विषयया ज्ञान लक्षण या, याद रखना इस जगह पर यह अर्थ किया है। भक्ति माने ज्ञान भी होता है। बोले ये कैसे आप करते हो? ज्ञानी की भक्ति लिखा है गीता में, ज्ञानी को कोई अभक्त तो लो लिखा है उन्होंने, और सबसे ऊंचा भक्त लिखा है, तो क्या छोटी वाली भक्ति से मिल जाएंगे क्या भगवान? भगवान तो मिलेंगे सबसे ऊंची वाली भक्ति से। सबसे ऊंची वाली भक्ति किसकी है? ज्ञानी की। क्या तो उसकी सबसे ऊंची वाली भक्ति का स्वरूप क्या है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान की जो प्रपत्ति है वो इसी भाव में है। सर्वम वासुदेव एव, तो ये उत्तमोत्तम ज्ञान लक्षणात्मक जो भक्ति है उसी से पुरुष की प्राप्ति होती है। भक्त्या तू अनन्यया पुरुषः लभ्यः। अनन्य भक्ति की कीमत दो और परम पुरुष को घर ले आओ। ये और क्या, ये तो सीधा है। कीमत दो क्या? पैसा फेंक, वही है। तो पैसा चाहिए लेकिन आपके पास वो वाला पैसा चाहिए। अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति चाहिए। बोले ये पुरुष कौन सा है, कहीं कोई नकली तो न दे देना मेरे को। मैं कैसे पहचानूं कि ये परम पुरुष ही मेरे को हाथ लगा है? हैं? यल लभ्यः स परः एव कथम अहम् जानामि। भगवान बोलते हैं लक्षण ले लो तुम, इसी से जांच कर लेना। यस्य अंतस्थानी भूतानी, फिर से वही का वही लक्षण आ रहा है। यस्य अंतस्थानी भूतानी, उस पुरुष में देखना कि इसी में सारे भूत हैं कि नहीं।
यस्य यस्य मने हाँ पुरुषस्य यस्य पुरुषस्य अंतस्थानी भूतानी यस्य चिन्मये पुरुषे चिन्मय अस्तित्वे सन्मये चिन्मये आनंदमये यस्याम सत्तायाम सर्वाः दृश्याः भासन्ते अवभासन्ते अध्यासरूपेण अंतर्भवन्ति ते सर्वे। आप इसको ऐसे पहले भी चर्चा हो चुकी है ऐसे ध्यान में कि हालांकि ये बहुत थोड़ा सा पहचाना मुश्किल होता है फिर भी प्रमेय वस्तु बिना प्रमाण वृत्ति में आए भास नहीं सकता, घट बिना वृत्ति में आवे घट भास नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है। घट घटाकार वृत्ति में आकर के ही भासता है और वृत्ति हमेशा चेतना में ही रहती है। चेतना अंतस्थानी है कि बहिस्थानी, सॉरी वृत्ति अंतस्थानी है कि बहिस्थानी है, वृत्ति अंतस्थानी है और दृश्य वृत्तिस्थानी है। दृश्य कहाँ होगा? वृत्ति में होगा। तो देखो अब सब का सब अंतस्थानी हो गया, ऐसी स्थिति है। पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव उद्भूतम् यथा निद्रया, जैसे स्वप्न दिखता है भीतर लगता है बाहर देख रहे हैं ऐसे। तो वही पुरुष की पहचान है जिसमें लगे, जिसमें साफ लगे कि इसी के भीतर सारे भूत हैं। यस्यान्तस्थानि भूतानि, दूसरा येन सर्वम इदम ततम, जिसमें सब है और जो सब में है। वही लक्षण बार बार आ रहा है, जिसमें सब है और जो सब में है। ये लक्षण जब घट जाएगा ना अर्जुन, तो समझ लेना कि ये वही पुरुष है जिसकी गीता में चर्चा की गई थी। लभ्यः, इस प्रकार का पुरुष, इस प्रकार का आत्म चैतन्य प्राप्त हो जाता है भक्ति से, अनन्य भक्ति से। अब इसमें पहले ज्ञान लक्षण का थोड़ा भाव देख लें। ज्ञान लक्षण या भक्त्या पुरुषः लभ्यः, ये वाक्य बनेगा। ज्ञान लक्षण या भक्त्या पुरुषः लभ्यः, ठीक। तो क्यों ज्ञान लक्षण या लभ्यः, अगर ऐसा पूर्व पक्ष किया जाए तो क्या उत्तर देंगे आप? कौन देगा? बिल्कुल ठीक है, चूंकि उसकी अलब्धता आविद्यक है, उसकी जो अनुपलब्धता है, उसकी जो अलब्धता है, वो क्या इसलिए है कि समाधि नहीं है, क्या इसलिए है कि विक्षेप है, क्या इसलिए है कि भाव नहीं है, क्या इसलिए नहीं है कि शरणागति है? अगर विक्षेप के कारण अनुपलब्ध हो तब समाधि लगा लो, तब समाहित अवस्था से पुरुष लभ्य हो जाएगा। समाहित अवस्था से लब्ध होने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक दिक्कत है कि समाधि नित्य नहीं रहती। तो अगर विक्षेप ही पुरुष की अनुपलब्धि में हेतु है, तो समाधि से वो लभ्य होगा
लेकिन फिर से विक्षेप आने पर हाँ ये झंझट रहेगी। अगर वो इसलिए अलभ्य है क्योंकि हमने ये सदाचार नहीं किया, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो वो सदाचार करने से वो लब्ध हो जाएगा, लेकिन वह सदाचार छूटने पर नारायण फिर से अलब्ध होगा। कोई भाव विशेष के उपस्थिति में लब्ध है तो जब भी वो भाव विशेष उपस्थित नहीं होगा हाँ वो अलब्ध होगा। ये तो न निवर्तन्ते जो फलश्रुति है वो कैसे घटेगी? यम प्राप्य, आगे ऊपर वाली पंक्ति है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, ये कैसे घटेगा? सो यत कर्मणा प्राप्यते अथवा यद अवस्थया प्राप्यते अथवा भावेन प्राप्यते अथवा सदाचारेण प्राप्यते ते सर्वे अथवा ताहा सर्वाः प्राप्तयः अनित्याः एवं। इसलिए यह बिल्कुल माने अकाट्य है कि परम पुरुष की प्राप्ति ज्ञान के अलावा और किसी साधन से, मानने का मतलब ही है पुनरावर्तन। पुरुष व्यापक है, प्रत्यगात्मा है, ऐसी दशा में उसकी उपलब्धि में प्रतिबंधक केवल और केवल अज्ञान है, उसकी निवृत्ति ही उसकी प्राप्ति का हेतु है। तो भगवान ने फिर ज्ञानी ने क्यों नहीं लिखा, भक्त्या क्यों लिखा, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न में देखना ज्ञान की जो व्याख्या की गई उसको स्वीकार कर लिया गया। अब जिज्ञासा है कि फिर ज्ञानीन कहने में और भक्त्या कहने में कुछ विशेषता है क्या? भगवान ज्ञानीन बोल नहीं सकते थे क्या? बोला भी है, पहले ज्ञान से बोला है, तो भक्ति कहने में कोई न कोई विशेष भाव जरूर होना चाहिए। वो 18वें अध्याय तक चलेगा ये भक्ति भक्ति, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या, ऐसा शब्द वहां भी आगे आता है। तो भक्ति कहने में विशेष क्या है? विशेष यही है कि भक्ति का जो बिल्कुल आरंभिक रूप है वो साधना का आरंभ करा देता है, वहां से साधना शुरू होती है। माने आर्त भाव की भक्ति से लेकर ज्ञानी की भक्ति तक ये भक्ति का पूरा जो विस्तार है वो पूरा का पूरा परम पुरुष की प्राप्ति का हेतु है। मेरा प्रभु मेरे दुख का निवारक है, अशरण शरण है, दैन्य का निवारक है, इस तरह की जो श्रद्धा है, इस तरह का जो विश्वास है, इस तरह का जो आश्रय बोध है, संबंध बोध है, है ना, ये हमको साधना में प्रतिष्ठित करता है, ईश्वरोन्मुखी करता है, जगत के आश्रयत्व को शिथिल करता है, छुड़ाता है।
तो मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते, तो प्रपद्यन्ते में केवल ज्ञानी की प्रपत्ति नहीं, वो तो परम प्रपत्ति है, वो तो सब महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन यात्रा में सभी लोग ऐसे नहीं होते, तो उनको ये नहीं कह सकते कि वो लोग अप्रपन्न हैं। हाँ, आर्त भी भक्त ही है, उदारा एव सर्वैते, ये नहीं बोलना कि ये भक्त नहीं है, और वो भी साधक ही है, वो भी ईश्वर की ओर ही चल पड़ा है, वह भी आश्रय के रूप में प्रभु को ही हृदय में लेता है, धारण करता है। तो उसकी साधना में एक प्रसाद होता है, उसकी साधना में खिलखिलाहट होती है, वही संभालेंगे और कौन संभालेंगे। चिंता नहीं है, भय नहीं है, भविष्य को लेकर के बहुत व्याकुलता नहीं है, कोई भी परिस्थिति विशेष कष्टकारी प्रतिकूल परिस्थिति भी आ गई तो निवृत्त हो जाएगी, क्योंकि मालिक साहब तो है ही हैं। तो इतना बड़ा भरोसा जब चित्त में आता है, तब मैंने कहा ना, जिज्ञासु बनता ही तब है जब उसका आर्त और अर्थार्थी भाव की समस्या का समाधान होता है। और जिज्ञासु बना तो वो तो नेक्स्ट ज्ञानी है। इसलिए जब भक्ति कहते हैं तो उसमें केवल ब्रह्माकार वृत्ति नहीं आती, आया ना पकड़ में आया। जब भगवान बोलते हैं भक्त्यालभ्य, तो वो सही है, ब्रह्माकाराकारित वृत्त्या एव लभ्य, वो ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं, साक्षात हेतु वही वृत्ति है। लेकिन जब भक्ति शब्द कहते हैं तो उसमें परंपर्यात हेतु भी शामिल होते हैं, उसमें जो हमारे भीतर दैन्य भाव जागता है बीच बीच में परिस्थितियों के चलते, आर्त भाव जागता है, दैन्य भाव जागता है, विवस्ता की अनुभूति होती है, वह विवस्ता की अनुभूति को भक्ति का साधन बन जाने देना या भक्ति का साधन के रूप में परिणत कर देना, ये भक्ति महारानी की ही कृपा है। आप समझते हो इतनी बड़ी कृपा है कि जो दैन्य भाव है वो घातक नहीं होता, तारक बन जाता है। जही अति दीन पियारे, केही अति दीन पियारे, कौन है जिसको दीन प्रिय है, है ना, जिन्हें परम प्रिय खिन्न ऐसे बोलते हैं। ये प्रभु हैं जिनको खिन्न लोग बहुत प्रिय हैं। भगवान को बोलते हैं, भगवान शंकर को बोलते हैं, जाहि दीन पर नेह, कृपा नहीं कहा, क्या बोलते हैं, नेह, स्नेह करते हैं उसके साथ, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दनमयन। जो दैन्य अर्जुन में है उस दैन्य को भक्ति में परिणमित किया, ये शरणागति, ये साधन बना। इसलिए भक्ति एक अद्भुत साधना है, अद्भुत साधना है। उसमें जो बिल्कुल घातक चीज है वो तारक बनती है। ये देखो,
सुख समृद्धि से अभिमान होता है, विलास वृत्ति बढ़नी चाहिए। भक्ति की उपस्थिति में सुख समृद्धि कृतज्ञ बना देती है। देखो उल्टा प्रभाव पड़ता है। जीवन में सुख है, जीवन में समृद्धि है, जीवन में ऐश्वर्य है, शक्ति है, तो अगर भक्ति अनुपस्थित है तब वो सुख समृद्धि अभिमान का सृजन करेगी, रोग बनेगी। और भक्ति उपस्थित है तो वो महारानी अगर हृदय में है बैठी हुई सिंहासन पर, तो इन सारी चीजों को कन्वर्ट करती रहती हैं, बैठे बैठे अपना काम करती रहती हैं। वह सुख वह समृद्धि हमको कृतज्ञ बनाती है कि प्रभु बिल्कुल मैं इस लायक नहीं हूं, कहीं से भी नहीं दिखता कि मैं इस लायक हूं जो हमको मिल रहा है, तो फिर भी आपकी इतनी कृपा है कि आपने ये सब हमको दे दिया। ये तो अर्थार्थी जो धरातल है भक्ति का नारायण, वो भी ईश्वर की ओर ही आगे बढ़ाता है, जगत की ओर नहीं बढ़ाता, लभ्य की ओर ले जाता है। प्रपत्ति बढ़ती है, भाव बढ़ता है, व्यक्ति जो है अपने को शून्य समझता है, समृद्ध है, शक्तिशाली, और वो बोलता है कि देखो साई से सब होते हैं, वंदे ते कछु नाही, मैं किछु नाही, ऐसे बोलते हैं। फिर जिज्ञासु भक्ति, वो भी भक्ति के कारण ही है। सद्गुरु मिले प्रभु की कृपा है, शास्त्र समझ में आता है प्रभु की कृपा है, अंतःकरण में एकाग्रता है ये उनकी कृपा है, ध्यान लगने लगा ये उनकी कृपा है, मनन होता है ये उनकी कृपा है। माने सर्वत्र कृपा एव दृश्यते न तु कृति। भक्ति ये कहती है कि अपना बहुत ज्यादा उद्यम दिखाई देता हो तो वो रास्ता दूसरा है, ये रास्ता दूसरा है। भक्ति वाला रास्ता तो यही है कि भगवान की कृपा होगी तो समझ में भी आने लगेगा, ध्यान भी लगने लगेगा, उन्हीं की इच्छा से तो ये जिज्ञासा है, संयोग बने हैं, वो हर चीज में उन्हीं को देखता है ना। और अविद्या कट रही है ये उनकी कृपा, वो दिखाई देता है अविद्या तो कट रही है लेकिन मेरे वजह से नहीं। ऐसा है। सो भक्त्या लभ्य है, ये बहुत बढ़िया वाक्य है। भाष्यकार ने ज्ञान लक्षण या किया, वो बिल्कुल सही वाक्य है, आप इसका कभी मर के भी खंडन मत करना, नहीं तो बात कर लेना पहले मेरे से। बिल्कुल पक्का, दुनिया भर को मैं तो बोलता हूं, भाष्यकार ने लिख दिया वो लिख दिया, फाइनल है वो। लेकिन यस, मनन करने से किसी ने रोका नहीं आपको, आप मनन करो भगवान के शब्दों को, जरा पियो, उनके शरण में जाके उनसे थोड़ा पूछ लो कि इसका विस्तार बता दो कि आपने ये शब्द क्यों लिखा। और ये जो अनन्या शब्द है ना, ध्यान रखना, ये भी व्यावहारिक अनन्यता और पारमार्थिक अनन्यता दोनों का वाचक है। व्यावहारिक अनन्यता क्या है, उन्नारद भक्ति सूत्र ने कहा, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। भक्ति सूत्र में आया अनन्यता क्या है, बोले जब बुद्धि में दूसरे के आश्रय का त्याग हो जाए, दूसरा माने ईश्वर के अलावा जो है वो दूसरा है, लो
हमारा जो प्रभु है बस वो हमारे बुद्धि में आश्रय भाव में वही बैठा हो और उस जगह पर और कोई न बैठे। अन्य आश्रयाणाम बहुवचन है, अन्याश्रयाणाम त्यागः अनन्यता, ये पहली अनन्यता है। इसी को भगवान आगे कहेंगे भक्ति मई अव्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए। भक्ति में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। 15 जगह आश्रय बुद्धि लगाना ये जो है व्यभिचार है। तुलसी बाबा ने लिखा मोर दास कहाई नर आशा करहु तो कहु कहां विश्वासा। मेरा दास कहलाते हो और लोगों में आशा रखते हो। मुझे काशी के नक्खी घाट के संत ने ये बोला था। कोई बात चल रही थी निष्कामता की बात मैं कर रहा था, ये डांट पड़ी, नया नया गया था पढ़ के यहां से। बोले क्या बक बक करते रहते हो निष्कामता, भगवान के सामने निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तो कामना है तो फिर कहां रखोगे उसको। कामना जगत के सामने रखोगे और निष्कामता भगवान के सामने दिखाओगे, एकदम झटका लगा बुद्धि में कि हाँ ये बात तो सही है कि आदमी जगत के सामने सकाम और भगवान के सामने निष्काम, ये उल्टी बात करता है आदमी। बोले इसको सीधी करो, अगर हिम्मत है तो जगत के सामने निष्काम बैठो और कामना है तो ईश्वर के सामने रखो, ये तो चल जाएगा। लेकिन ये तो व्यभिचार है सीधा सीधा। उन्होंने जो दृष्टांत दिया वो बड़ा ही अजीब सा है। बोले एक पत्नी पतिव्रता है, बिल्कुल साध्वी है, लेकिन जब उसको साड़ी की जरूरत होती है तो पड़ोसी से मांगती है। बोले क्यों पति को क्यों कष्ट देना, हाँ तो दूसरे के पति से ही मांगती हूं मैं तो। तो बोली ये क्या है, ये पातिव्रत्य बना क्या, ये तो पातिव्रत्य नहीं बनेगा, ये तो व्यभिचार हो गया। आशा दूसरे से लगाना और निष्ठा की बात करना कि मेरी निष्ठा वहां है। बोले ऐसी है ये निष्कामता तुम्हारी, ईश्वर के सामने खड़े होके नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए, और चपरासी के सामने खड़े होके बोले महाराज जरा साइन करवा दो। तो ये पहली अनन्यता ये है। और यह जब ऊंची उठती है ना तब भेदाभेद संबंध जो तुलसी बाबा ने बाद में लिखा सो अनन्य जाके असीमति नट रही हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये केवल एक देह परिच्छिन्न मेरा स्वामी नहीं है, चराचर रूप में स्फूर्तिमान, चराचर रूप में जो स्फुरित हो रहा है वो मेरे प्रभु के ही नाना रूप हैं, और अपने में अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, मैं सेवक। ध्यान रखना ये न कर लेना कि ये कोई ब्रह्मास्मि वृत्ति है, नो नो, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अहम दासोस्मि ये वृत्ति है। कस्य दासः ईश्वरस्य, कीदृशः ईश्वरः, सचराचर रूपः ईश्वरः एव। ये अनन्यता दूसरे लेवल की है। और फिर अनन्यता पारमार्थिक होती है जिसमें आत्मसत्ता और
ईश्वर सत्ता में लेश मात्र भी भेद नहीं है। जीवत्व भंग हो जाने से केवल सत्ता ही है, उसको न ब्रह्म सत्ता कहने का जरूरत है न तो आत्म सत्ता कहने की जरूरत है। बस ये अनन्यता है अंतिम। तो भक्त्या अनन्यया लभ्य पुरुष परः पार्थ, ऐसी भक्ति से प्रभु मिलता है। इसमें भाव ये रखना आप कि जिज्ञासु की भक्ति से तो मिलता ही है, ज्ञानी की भक्ति से मिलता ही है, लेकिन जब आर्त होकर के प्रभु को पुकारते हैं तो वो भी परमात्मा के मिलने का ही मार्ग है। वो कोई परमात्मा से दूर करने का मार्ग नहीं है। ओम ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Mm-hmm.